हाय, माय नेम इज शादाब खान, मेरा नाम शादाब खान है। बेसिकली मैं बहुत लंबे टाइम तक मॉडल रहा हूँ, रेमंड, जिलेट, बिलक्रीम, काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स किए थे। पिछले 5-6 साल से मैं फिल्म मेकिंग में आया, तो आई एक्ट, आई डायरेक्ट, आई प्रोड्यूस। मेरी फिल्म जो है वो इरोज नाव पे, एक द अनसाउंड करके एक फिल्म है, इट्स ऑन इरोज नाव। फिर BA पास 2, इसका मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाव। अभी मेरी शिमारू पे डेली 57 किलोमीटर, एयरटेल एक्सट्रीम पे और इस सब पे मेरी डेली 47 किलोमीटर फिल्म चल रही है। मेरा एक फिल्म है जो हॉटस्टार पे आने वाला है, इसको राबिया एंड ओलिविया, विच वी शॉट इट इन कैनेडा, जिसको अभी तक 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक वेरी ऑनर्ड कि मैं डी जी फ्लिक्स के साथ में जुड़ा हूँ। मेरी एक फिल्म है, इस कॉल्ड हीट, जिसको मैंने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, और इसमें अंजलि ततारी, शी इज़ द मेन लीड एक्ट्रेस इन मेरे डैड की दुल्हन में, जो मेन लीड लड़की है बेसिकली, वरुण बड़ोला की जो बेटी का रोल किया है, वो इसके अंदर मेन लीड में है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है डी जी फ्लिक्स के साथ में, काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इनोवेटिव है, काफ़ी नया है, काफ़ी स्टिमुलेटिंग है। लाइक एक डी जी फ्लिक्स एक जो ग्रुप है उसमें दो है, डी जी टॉक, इट्स लाइक अ इंडियन वर्जन ऑफ टिकटॉक, और डी जी मूवीज़। और डी जी टॉक पे जो लोग भी फेमस होंगे उनको डी जी मूवीज़ पे काम करने का मौका मिलेगा, तो काफ़ी इनोवेटिव है, एनर्जी बहुत अच्छी है पूरी टीम की, और लाइक आई एम ऑनर्ड कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा है। मेरी जो फिल्म है वो लोग एज अ ओरिजिनल प्रेजेंट कर रहे हैं डी जी फ्लिक्स पे, हीट। या दस That's it. तो ये जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि they are inclined towards neat and clean content, तो उसके अंदर बताया कि वो कितनी अच्छी बात है, जहां हर कोई सेक्स को एक प्रायोरिटी दे रहा है, एक क्लीन कंटेंट को प्रायोरिटी दे रहा है। देखिए वो मतलब सेक्स जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है बहुत पुअर तरीके से हो रहा है, काफी मतलब इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, बिकॉज इंडियन कल्चर उन सब चीज़ों को इतना ज्यादा मतलब जितना हद तक वो कम रहे वो इतना ज्यादा बेहतर है। आप मतलब जो उस जो इंडियंस हैं उनके जो कल्चर है बेसिकली उसमें ये नहीं है, तो उनके बिलीफ के अगेंस्ट आ रहा है। इनफैक्ट द एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिन लोगों से हम लोग डील करते हैं, मजबूरी में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो उनकी आत्मा उसमें नहीं होती है, तो देयर सोल इज़ नॉट देयर इन दैट। तो इसकी वजह से हम लोग मदर इंडिया और शोले और यू नो उस तरह का कॉन्टेंट आज की डेट में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है, काफ़ी अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया है डी जी फ्लिक्स ने कि वो इस तरह का कॉन्टेंट को अप्रूव कर रहा है जो बहुत फूवड़ और नंगापन नहीं है उसके अंदर। तो आपका जो प्रोजेक्ट है जो उसके बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्ट है, बेसिकली किस तरह का जॉनर है, किस तरह से एंटरटेन करेंगे लोगों को? ये थ्रिलर है बेसिकली, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो मतलब लालच के लिए किस तरह से एक मासूम लड़की को ट्रैप कर लेता है, और उसको किस तरह से वो जेल तक पहुँच जाती है, कि एक नार्सिसिस्ट है जिसको एक अपना शिकार ढूंढता है, और किस तरह से उस लड़की को उसमें ट्रैप करता है, और बाद में कैसे वो लड़की वापस उसकी ज़िंदगी में आती है, उसके बाद में आप पूरा फिल्म में देखना किस तरह का हुआ है। इट्स अ रिवेंज स्टोरी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक्स विश द प्लेटफॉर्म फॉर लाइक मेरी बहुत ज़्यादा हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू फॉर डी जी फ्लिक्स। आई थिंक लोग अपना दे जस्ट स्टार्टेड देयर ऑफिस टुडे, मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ हैं, और बहुत ज़्यादा ये है कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा बने, लाइक आई एम रियली श्योर कि देखो ना मेक इट रियली बिग। हाय, मैं रोहित गांगुड़े, राइटर डायरेक्टर। हम डी जी फ्लिक्स के साथ में नए प्रोजेक्ट को लेकर जुड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम है दुनिया गई भाड़ में। मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर है दिलीप पिथवा जी और नितिन जी। अब ये प्रोजेक्ट को लेकर जब बातें शुरू हुई थी तब तो ये होते 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 अब तो ऐसे हो गया कि फैमिली है, हम लोग साथ में मिल के एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ रहे हैं, और एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही होगा कि लोगों को एंटरटेन कितना किया जाए, ये टारगेट लेके आगे बढ़ रहा है। सर, ये एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है। सबसे पहली बात जो अच्छी लगी थी हम लोग को डी जी फ्लिक्स के साथ जुड़ने के लिए, कि यहाँ बाकी जैसे OTT में सेक्स वगैरह और अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह चलता है वो इनका नहीं है, इनका क्राइटेरिया साफ सुथरी और अच्छी वेब सीरीज बनाने पर है, जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था, और उसी से हम लोग अट्रैक्ट हुए थे डी जी फ्लिक्स के साथ। और जब अभी बातें आगे बढ़ रही हैं तो पता चल रहा है इनके विज़न जो हैं आगे के भी बड़े लंबे प्लान हैं, बड़े ऊंचे प्लान हैं, और हम लोग इस बात पे अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हम अभी से डी जी फ्लिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डी जी फ्लिक्स के माध्यम से ऑडियंस को एक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी वेब सीरीज। सर, आपसे चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि मतलब साफ़ सुथरी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस तरह से सर आपकी बात कर रहा हूँ, वो बोले नहीं स्पीक सब्जेक्ट सर, लेकिन आप साफ सुथरे की बात कर रहे हैं सर, 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 सर,
साफ सुथरी की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, ज्यादातर जो ऐप है कमर्शियल के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा रहे हैं, तो आप कितना समझते कॉम्पिटिटिव रहेगा आपके लिए? सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स दिखाने से या एबीसी लैंग्वेज से ही हम कंपटीशन में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज अगर हम एक अच्छी फिल्म जैसे थिएटर में रिलीज होती है उसमें इतना सेक्स नहीं है, फिर भी वो 100 करोड़ का बिजनेस कर जाती है, तो अगर हम एक साफ सुथरी वेब सीरीज लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि वो सेक्स से ज़्यादा अच्छी चलेगी। और एक स्टेज के बाद भी लोग सेक्स से उग चुके हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अभी देखेंगे तो लोग सेक्स से उग चुके हैं, अब उतना सेक्स सेक्स नहीं देखना चाहते, दे वॉन्ट अ गुड कंटेंट, और आज की तारीख में कंटेंट ही आपका हीरो है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी वेब सीरीज जुड़ जाए। सर रोहित जी आप सुनना चाहूँगा कि एज ए डायरेक्टर क्या वेब सीरीज जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं या वेब सीरीज डायरेक्ट करते हैं क्या आप डिफरेंस पाते हैं टीवी शो या फिल्म शो के माध्यम अगर कंपेयर करें तो क्या अंतर होता है? सी वैसे अगर देखा जाए तो वेब सीरीज और फिल्म में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वेब सीरीज अब टीवी की अगर हम बात करें तो बहुत अंतर है, उसको शूट करना उसको फ्रेम करना ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। अब टीवी जो है टीवी आजकल सासू बहू इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, वेब सीरीज़ के माध्यम से हमको ये फ्रीडम मिलता है कि हम कई डीपर जाके कई डीपर रिलेशंस को एक्सप्लोर कर सकें, हम कई अच्छे अच्छे सब्जेक्ट ला सकें, हम कई कई मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, इसमें कोई आपको एक 180 डिग्री की फ्रेम नहीं होती जिसमें आपको लिमिटेशन है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, नहीं इसको इसमें आप ह्यूमन फीलिंग्स के कई जो आप ये बोल सकते हैं कलर्स बोल सकते हैं या कई डीपर मीनिंग तक जा सकते हैं, वो फ्रीडम हमको वेब सीरीज में मिलता है। तो ये भी अच्छा होगा डायरेक्टर के तौर पे कितना जो पोटेंशियल होता है डायरेक्टर में वो कितना एक्सप्लोर करने को मिलता है वेब सीरीज मीडियम में? वही मैंने कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है, एज ए डायरेक्टर भी आपका जो विजन है इसमें कोई सेंसोर न होने की वजह से आप अपने विजन को क्लियर जस्टिफाई कर सकते हो, आप जो सोचते हो वही आप दिखा सकते हो, वो फ्रीडम है इसमें। टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी आपको जितना चाहिए आप उतना नहीं एक्सप्लोर कर पाते, फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि फिल्मों में आपको होता है कि आपका सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड की वजह से आपको पर्टिकुलर लिमिटेशंस आता है जो यहाँ नहीं है, इसमें आप हर रंग हर रूप आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और जिसकी वजह से आज जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वेब सीरीज़ के वो इसी वजह से जुड़ी है कि उनको जो चीज़ें वो खुद एक्सप्लोर करना चाहते थे जो उनके सोच में थी जो वो सोचते थे वो आज उनको दिख रहा है सर, दैट इज़ आर दे कनेक्ट विद वेब सीरीज मोर देन टीवी। ये जैसे होगा शो की बात हो रही तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कास्टिंग के बारे में कुछ बताइए, फाइनलाइज हो चुकी है या होना कुछ बाकी है क्या? नहीं कास्टिंग को लेके हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे नाम हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब उसको लेके हम अभी कुछ नहीं बात कर सकते क्योंकि हम लोगों ने कोई कास्टिंग फाइनलाइज नहीं की। सर आप कहना चाहूँगा कि वेब सीरीज की बात हो या कोई भी मीडियम हो लोग जाना पहचाना चेहरा देखना ज़्यादातर वो अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि जाना पहचाना चेहरा ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि एक नया आर्टिस्ट को लॉन्च करना चाहते हैं? सर ऐसा नहीं है, कुछ दिन पहले मिर्ज़ापुर आई थी तो उसके पहले दिव्यांशु शर्मा को लोग इतना कोई जानते नहीं थे, अली फजल को कोई जानते थे, विक्रम सिंह बट दे आर वेरी गुड एक्टर, और उनको पहचान शायद वेब सीरीज से मिली और उसके बाद वो जाना पहचाना बहुत ज़्यादा जाना पहचाना चेहरा बन गया, दैट एवरीबॉडी इज रनिंग एंड रशिंग टू साइन देम। सो ऐसा नहीं है, इट्स अगेन आई सेड इज अ कंटेंट, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो अच्छा न्यू कमर भी बहुत अच्छा कास्ट आप कर सकते हैं और वो चल सकती है। आज आप कितनी सारी वेब सीरीज देखेंगे जिसमें आपको कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई भी देता है पर उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, जो अभी हर्षद मेहता पे आई हेमंत खेर की कोई पास्ट आपको इतना पता नहीं है कि उसने क्या किया हुआ है, पर इस सीरीज में देखो आप इतना बड़ा हंसल मेहता ने उसको ब्रेक दिया हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट अ कंटेंट। हाँ एक थोड़ा बेनिफिट रहता है जाना पहचाना चेहरा, सो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वी ऑल्सो गेट नोन पीपल। और प्रोड्यूसर के तौर पर ये भी दर्शकों को बताइए कि जैसे लोग आम लोगों को ये लगता है कि रिस्क फैक्टर कम इन्वॉल्व होता है, कम बजट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है और रिकवरी जल्दी आती है, ऐसा कुछ है वेब सीरीज में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क फैक्टर तो हर जगह पे है, ठीक है, तो आज आप टीवी शो बनाते हैं तो उसमें भी रिस्क फैक्टर है, फिल्म बनाओ तभी भी रिस्क फैक्टर है, वेब सीरीज बनाओ तभी भी फैक्टर है, पर मुझे लगता है कि ये रिस्क फैक्टर से ज़्यादा अगर इसको हम अपना पैशन समझें, अगर आप में एक अच्छी वेब सीरीज बनाने का और एक फिल्म लाइन में काम करने का एक पैशन है तो मुझे लगता है उसके सामने आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं। लेकिन आपकी ऐसी सोच वाले काफ़ी कम लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, जैसे आपने बोला कि मुझे एक क्लीन इमेज का वेब सीरीज बनाना है कोई गंदगी नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आपका जो ये प्रयास होगा कितना इंस्पायर करेगा लोगों को?
सर डेफिनेटली जब वेब सीरीज आएगी तब आप खुद भी एक बार देख लीजिएगा, आपको भी लगेगा कि नहीं यार जो हमने कहा था कि इसके अंदर है, हम ये नहीं कहते कि हम जरा भी सेक्स नहीं देंगे, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर, पर वो उतना भी लेवल का नहीं होना चाहिए कि जो बाकी सीरीजों में दिखाया जा रहा है वैसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दो आप, जैसे दाल में नमक होता है उतना दो आप, उससे दाल अच्छी बनती है, पर आप पूरे नमक ही डाल दोगे तो फिर दाल खराब हो जाएगी, तो वैसा हमको नहीं करना है। सो दैट्स व्हाट आवर एम्स। सर शूटिंग शेड्यूल के बारे में तो कुछ बता सकें कि कुछ प्रिपरेशन और चीज़ पे शूटिंग शेड्यूल कब शुरू होगी, शूटिंग वगैरह कहाँ होगी? हमारी कोशिश तो यही चल रही है कि हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग शूटिंग में फ्लोर पर जाए, लेकिन अब सारी चीज़ें डिपेंड होती है किसको हम कास्ट कर रहे हैं, कास्ट जिनको कर रहे हैं उनकी डेट्स कैसे अवेलेबल है, वो हिसाब से। शूटिंग तो मुंबई में ही होगी, हम लोग मुंबई में ही शूट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग फ्लोर पे चले। सर कुछ अगर बताना चाहेंगे जॉनर क्या है इसका, मतलब नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी जॉनर है, फिर बताइए कि क्या है? नहीं, ये बेसिकली कहानी का शीर्षक जो है वो दुनिया गई बाढ़ में रखने का रीज़न ये है कि आज की तारीख में हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति दुनिया की नहीं सोचता, वो अपने अपने बारे में सोचता है, और ये सोच रखने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी वजह से आपको ये रियलाइज़ होता है कि सलाह नहीं, तो ये उसको लेके है, इसमें कॉमेडी नहीं है ये, इसका एक बेसिकली एक ब्लैक ह्यूमर के हिसाब से मैंने टाइटल रखा था ये। इस टाइटल रखने का भी रीज़न यही है कि अब लोग सिर्फ टाइटल इसलिए रखते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करे, ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ऑडियंस ये नाम देख के देखे, नहीं, हमारा ये जो टाइटल है, टाइटल का रीज़न ही ये है कि जो आज की तारीख में सोच है वो हम दिखाएं, और वो हमारे कैरेक्टर के माध्यम से, हमारी कहानी के माध्यम से वो एक्सप्लोर होता है। सर और ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे सेंसर की बात की, तो आपको लगता है इसमें भी सेंसरशिप लाना चाहिए आगे चल के, अगर देखा जाए, अगर कंट्रोल करना है? नहीं, नहीं होना चाहिए इसमें सेंसर। मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट अ सेक्स, पर आपके जो एक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे यूपी बिहार के एक लैंग्वेज में ही बहुत सारी गालियाँ वगैरह का ये किया हुआ है प्रयोग, अगर हम वो चीज़ें यहाँ भी ला देंगे ना, तो वो जो एक फ्रीडम जो एक है शूट करने की, वो ख़त्म हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि ऑनलाइन पे सेंसर आना चाहिए, इसको एक अच्छे से बना के रखो, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, एसओपी होने चाहिए, पर सेंसर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्केट ओवरक्राउडेड भी है सर, मतलब छोटे जो प्लेटफॉर्म हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बोल खुद को बोलते हैं और जो पेश कर रहे हैं, उसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा ओवरक्राउडेड आपको लगता है मार्केट हो जाएगा? सर मुझे लगता नहीं कि ये वो चर्चा का वक्त है, हम लोग इस वक्त किसी और सब्जेक्ट के लिए यहाँ मिले हुए हैं, तो मैं इस पर फिर कभी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन इस मीडियम से एसोसिएट होने का आपको क्या रीज़न रहा है, आपको क्या इंस्पायर किया इनका जो कॉन्सेप्ट? जो मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि जब इनसे बातें हुई, तब जो इनकी सबसे पहली ही बातें थी कि हम लोगों को सेक्स ओरिएंटेड ड्रामा नहीं चाहिए, हमको सेक्स नहीं बेचना है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करके कि यही तो हम भी चाहते हैं कि सेक्स नहीं बेचना है, बस इसीलिए हम इनसे जुड़े हुए, और आज जब इनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातें कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उतना ही हमें समझ में आ रहा है इनका विज़न ही क्या है, इनका व्यू क्या है, वी आर हैप्पी कि वी आर डूइंग दिस। हम दुनिया गई बाहर की टीम से, हमारी तरफ से डीजी फ्लिक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आगे चल के ऐसे ही बढ़ते रहे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करते रहे, और हमारे साथ दो तीन प्रोजेक्ट कर ले और आगे बढ़े। बस आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक नया बहुत अच्छा टीवी चैनल आ रहा है डीजी फ्लिक्स डीजी टीवी, उसको सहारे, उसको सब्सक्राइब करें, और डीजी टीवी जो है वो एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाए, हम वही विश करते हैं, और बहुत सारे इनको शुभकामनाएं देते हैं। आज इनकी ये ऑफिस अंधेरी में आज ओपनिंग हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये डीजी टीवी जो है इंडिया की नंबर वन चैनल। थैंक यू। मेरा नाम निशांत अवस्थी है, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिजीफ्लिक्स एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये डीजी टीवी और डीजी टॉक, ये दोनों कंबाइंड है। इसमें क्या है कि दो टाइप के सेगमेंट हैं, एक डीजी टॉक आएगा और एक डीजी मूवीज आएगा। ये एक सिंगल ऐप है, इसमें क्या होगा कि दो फ्लैप बटन्स हैं, एक फ्लैप बटन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डिजी टॉक स्मॉल वीडियोज ऐप चलने लगेगा, और दूसरा सेगमेंट है डिजी मूवीज़ का, कि जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो वेब सीरीज़ पे आप चले जाएंगे, जिसमें आपको मूवीज़ और वेब सीरीज़ ये सारे देखने का मौका मिलेगा।
तो सर जानना चाहूंगा कि कंपटीशन काफी बढ़ गया है इस मीडियम में, तो कैसे अपने को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे एक बेटर बने मार्केट में ताकि लोग अट्रैक्ट हों इस मीडियम से? देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल मिला के कोई भी जो ऐप है टिकटॉक जाने के बाद कोई भी ऐसी ऐप मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि प्योरली इंडियन हो और उस लेवल को कंपटीशन पे टच कर पा रहा हो। हम लोगों का जो डेवलपमेंट है ये इन हाउस डेवलपमेंट है और हम लोगों ने बहुत अच्छा इस शॉर्ट वीडियोज ऐप को डेवलप किया हुआ है जिसमें बहुत अच्छी हम लोगों ने फैसिलिटीज इसमें डाली हुई हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें वर्कआउट किए हुए हैं। अब ये जो शॉर्ट वीडियोज ऐप है इसका रीच बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कोर्स में जितने भी वेब सीरीज हैं उसमें क्या होता है कि सिंगल अलग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स है। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा यूजर डेटाबेस शॉर्ट वीडियोस ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए वेब सीरीज में बहुत आसानी मिलेगी। तो हमारा ये ड्यूअल ऐप है, इसमें क्या होगा कि जो शॉर्ट वीडियोज ऐप में अच्छे एक्टर्स वीडियोज डालेंगे उनको हम अपनी वेब सीरीज में भी काम करने का मौका देंगे। इसमें क्या होगा कि नया टैलेंट हम यूज कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया। अभी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे शहर में अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको जिनका टैलेंट उसी शहर में वेस्ट हो जाता है, वो मुंबई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा ये एक उद्देश्य ये भी है कि हम छोटे छोटे शहर दूर अपने स्टेट्स में जिनको भी एक्टिंग का शौक है वो हमारे ऐप में शॉर्ट वीडियोज ऐप बनाए और उसको हम अपनी अगर हमें यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर की पैनल्स की टीम्स हैं उनको अगर उस प्लेटफॉर्म में अब उस वेब सीरीज में उस प्रोफाइल मैच करती है तो हम उसको अपनी वेब सीरीज में काम करने का मौका देंगे। सर ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि मालूम चला है कि आपके जो प्लेटफॉर्म है इसमें फोर्सफुल सेक्सुअल कंटेंट जैसे और ऐप्स कर रहे हैं और जो मीडियम कर रहे हैं वो नहीं रहेगा, क्लीन और नई नीति इमेज का जो प्रोजेक्ट है वो होगा, तो उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा इसमें ऐसा कोई ऐसा कंटेंट ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी वेब सीरीज प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट कंस्टेंट नहीं होगा। इसमें टोटल पूरा फैमिली कंटेंट प्लस जो आज की डेट में एक अच्छे OTT प्लेटफॉर्म में चीज़ें चाहिए होती हैं उस हिसाब से हम डिज़ाइन करके करेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा फोकस जो है वो शॉर्ट वीडियोस ऐप से ड्रिवन है। तो इस वजह से हमारा कोई भी ऐसा कंटेंट हम नहीं डालेंगे इसमें कि जो एब्सोल्यूट कंटेंट हो। लेकिन फिर भी क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना आगे चल के मार्केट में तो क्या आप अपनी तरफ से पुश ऑन करेंगे कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे आप अपनी तरफ से? हमारा पूरा फोकस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, हम पूरा एंटरटेनमेंट को ही फोकस कर रहे हैं। आप भी जितनी भी आज की डेट में लोगों ने मतलब आज की डेट में जितना भी एंटरटेनमेंट को ही सारा फोकस मिलता है, बाकी जितना भी जो कंटेंट लोग दूसरी ऐप्स चला रहे हैं तो वो एक टाइम बींग कंटेंट है। हमारा कोई टाइम बींग मार्केट में रहने का वो नहीं है, हमारा ये है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छी चीज़ें डेवलप करके इसमें डालेंगे। और जितने भी चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं उसका कितना फ़ायदा होगा आपकी कंपनी को या ऐसे भी ओवरऑल जो भी इंडियन कंपनीज है जो इस तरह का बिजनेस कर रही है? जैसा मोदी जी ने कहा था कि एक इंडियन को आना चाहिए और एक एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहिए, उसी टाइम से हमें इस प्लेटफॉर्म में काम करने का वो मिला और हम लोगों ने उसी टाइम से इस चीज़ को डेवलप किया है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया है वो नॉर्मल एप्लीकेशन से जितनी भी आज की डेट में अवेलेबल ऐप्स हैं उससे बहुत ही अच्छी रहेंगी। किसी भी मतलब अगर आप उसमें बोलेंगे तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी और हम 100% उस टारगेट को अचीव कर लेंगे जो विजन मोदी जी का था कि इस ऐप को लेके, तो वो ऐप लेके हम इस चीज़ को डेवलप कर लेंगे जितना मेरे को पूरा विश्वास, आने वाले 2 से 3 महीने में हमारी ऐप उस लेवल को टच कर लेंगे। सर लास्ट ईयर में जैसा आपने कहा कि जो लोग इन्वॉल्व होंगे ऐप में उनको वेब सीरीज में काम मिलेगा, लेकिन क्या कोई एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को भी मतलब आप अपने प्रोजेक्ट में हायर करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब भी कोई हम लोग वेब सीरीज डालेंगे तो उसमें जो लीड एक्टर्स होंगे तो बट ऑब्वियस है वो नॉर्मल आर्टिस्ट ही होंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो आर्टिस्ट हैं उनको धीरे धीरे करके मौका एक्टिंग में मौका मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो कोई एक्टर है नया एक्टर है उसको हम लोगों ने मौका दिया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसको फिर अगली सीरीज में और अच्छा मौका मिलेगा, फिर ऐसे करके धीरे धीरे जैसे एक नॉर्मल आर्टिस्ट की जिंदगी होती है कि काफ़ी काम करने के बाद उसको एक अच्छा मुकाम हासिल होता है, उसी तरह से हमारा भी यही रहेगा कि छोटे छोटे रोल्स देके हम उनकी जो उसके वो है उसका आर्टिस्ट जो कलाकार है उसको निखारेंगे और उसको धीरे धीरे से अपनी वेब सीरीज में ही इतना मौका मिल जाएगा कि वो आगे उस हिसाब से डेवलप कर लेगा। कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड वेरी बेस्ट विशेस फॉर दिस।
Hi, this is Shreya Mishra, playback singer from Mumbai. I have done the BGM of Digiflix and I've sung the jingle of the same. And I would like to congratulate everybody who's associated with Digiflix, and I hope that this, you know, OTT platform becomes one of the most successful platforms in India. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं Digiflix ऐप को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. इस ऐप पर सबसे पहली जो वेब सीरीज लॉन्च होने वाली है, आई एम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. मैंने उसका BGM किया है, टाइटल ट्रैक किया है, और Digiflix ऐप जो है जिंगल वो भी मैंने किया है. सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे, एंड लेट द ऐप रॉक. थैंक यू.